समझ लेते हैं किस तरह से इस वक्त उत्तराखंड में घमासान मचा हुआ है राजनीति में। कोई कह रहा है कि डूबता जहाज है और कोई कह रहा है कि हमारा संगठन हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो इस पर नीरज कोहली जी, आप कैसे देखते हैं और क्या राय है आपकी? ये देखिए, बड़ा उत्तराखंड के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस अवधारणा से इस राज्य का निर्माण हुआ था विकास की दृष्टि से जी, और पिछले 21 वर्षों में हमने देखा है कि उस पर किस तरीके से ब्रेक लगा है। ब्रेक लगने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो इस प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता रही है, एक प्राकृतिक आपदाओं ने इस प्रदेश को जकोरा है और दूसरा जो है राजनीतिक अस्थिरता ने इस प्रदेश को कैसे पीछे धकेल दिया है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और दो बीजेपी कांग्रेस जो दोनों पार्टियां बारी बारी से इस प्रदेश पे रूल करती रही हैं, दोनों में ही राजनीतिक अस्थिरता रही है। दोनों के हाल ठीक नहीं है। फर्क इतना है कि किसी का झगड़ा सड़क पर आ गया और किसी का झगड़ा पर्दे के पीछे चल रहा है। तो ये तमाशा हम पिछले 21 वर्षों से देख रहे हैं और ये प्रदेश के हित में भी ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि ये पार्टियों का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल अंदरूनी मामले से नहीं, इसको स्टेट के हित से जोड़ के देखता हूं। भाई अगर आप विपक्ष में बैठे हो तो आपको विपक्ष के लिए बहुमत दिया है प्रदेश की जनता ने, तो आपको ईमानदारी से और सशक्त होकर विपक्ष की भूमिका ही निभानी है। अगर आप विपक्ष की भूमिका सही तरीके से नहीं निभाओगे तो सरकार तो निरंकुश हो जाएगी और सरकार पर निगरानी कैसे रखी जाएगी। तो ये विपक्ष है और सत्ता पक्ष की बात है कि सत्ता पक्ष में भी सब कुछ ठीक नहीं रहा। आपने क्या करा, आपने 21 वर्षों में 8 मुख्यमंत्री दे दिया, आपने प्रचंड बहुमत की 57 विधायकों की सरकार में आपने 3 मुख्यमंत्री बदल के दे दिए। तो ये सब अस्थिरता की वजह से जो है प्रदेश के डेवलपमेंट पर बहुत बुरा उसका असर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है लगातार। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। अब ये ताजा घटनाक्रम, मैं कांग्रेस को कहूंगा कि कांग्रेस जो है पिछले 4.5 वर्षों में कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका में स्टेट के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाया है, हर समस्या को उठाया है और अपना संघर्ष रखा है। लेकिन अगर कामयाबी की बात कहें तो कामयाबी कांग्रेस के खाते में बिल्कुल भी नहीं आई। आप देखें कि 3 उपचुनाव हुए,